खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मंदिर से दर्शन करके लौट रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं को कट्टे की नोक पर लूटने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। यह चारों आरोपी हरदा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अब इनसे जिले में हुई इसी तरह की अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। इन चारों आरोपियों ने रविवार को दिन दहाड़े ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करके कार से लौट रहे अज्ञात निवासी परिवार को मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके लूट लिया था। इन लोगों ने कार चालक को टायर हवा कम होने के बहाने रोका, देसी कट्टे और चाकू के बल पर लूट लिया था। पहले बदमाश ने कट्टे के दम पर महिला के पति से चेन छीनी, फिर जब आगे बढ़कर महिला से भी लूटपाट करने के लिए बदमाशों ने महिला को देसी कट्टे से धमकाया तो महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का हाथ का देसी कट्टा पकड़ लिया और संघर्ष करने लगी, जिससे बदमाशों की हिम्मत टूट गई और वो भाग खड़े निकले। पीड़ित लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना किया था। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को तुरंत पकड़ा। उसकी निशानदेही पर तीन आरोपियों को भी बाद में पकड़ लिया। पिछले लगभग 2 महीने में खंडवा जिले में चेन स्नेचिंग की कई वारदातें हो चुकी है। खंडवा पुलिस अब पकड़े इन आरोपियों से जिले में हुई इसी तरह की अन्य घटनाओं को लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। ओमकारेश्वर दर्शन करके घाट में स्नान करके एक परिवार जो कि महाराष्ट्र का है वो वापस लौट रहा था अपनी फोर व्हीलर गाड़ी से, तो उसको उसके पीछे दो मोटरसाइकिल्स पे चार अपराधी उसके पीछे लग के और उनको बताया कि उनकी गाड़ी की हवा निकल गई, उनको रोका और उसके बाद जैसे वो निकले तो उनसे चेन स्नैचिंग, उसमें उन्होंने कट्टा उड़ा के चेन स्नैचिंग किया और उसको लेके भाग रहे थे, लेकिन तभी परिवार और खासकर महिला ने उसमें संघर्ष किया जिसकी वजह से उनको एक मोटरसाइकिल छोड़ के भागना पड़ा और तत्काल उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचना हुई तो पुलिस भी लगातार टीम वहां पे लग गई थी और जिसकी वजह से हमने उन सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और ये सभी आरोपी हरदा के हैं, इनसे अभी इनको कस्टडी में लेके गिरफ्तार करके इनसे आगे भी पूछताछ की जा रही कि अन्य किसी घटनाक्रम में ये लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं, और इसके साथ साथ ये कट्टा कहाँ से लाए थे और कैसे उसको यूज़ क्या था, उस सारी चीज़ भी उनसे पूछताछ की जा रही है।